हेलो स्टूडेंट दोनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब सब कैसे, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जिस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, दोस्तों अगर आप सर फोन पे स्क्रीनशॉट तो खींचते ही होंगे, तब आप देखा होगा कि जब आप स्क्रीनशॉट खींचते पर्टिकुलरली उसी जगह पे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते, पर होल जो पेज है, अगर मान लीजिए आपका कोई व्हाट्सएप पे कोई चैट पूरा वगैरह चैट है उसका स्क्रीनशॉट लेना हो, या फिर कुछ प्रयोजन पड़ेगा पूरा जो होल वेब पेज है, मतलब जो आप वेबसाइट खोलते हैं पूरा वेबसाइट को आपको स्क्रीनशॉट करना हो, तब आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो डिफॉल्ट जो फोन पे जो स्क्रीन रहता है उसमें तो आप नहीं कर सकते। अगर आप एम आई का कुछ भी डिवाइस यूज करते हैं, एम आई A1 को छोड़ के, तब उसमें क्या होता है कि अब एक नया ऑप्शन आ चुका है कोरल स्क्रीन शॉट का, पर उसमें जो है सभी डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता और सभी जो सबके पास जो एम आई का सेट होता नहीं है, तो वो ऑप्शन मैं आज इस वीडियो में मैं करके दिखाऊंगा। बेसिकली मेरे पास जो है एम आई A1 डिवाइस है, तो उसमें मैं करके दिखाऊंगा कैसे बहुत ही आसान तरीके से पूरा जो हो व्हाट्सएप का पूरा चैट हो या फिर टेलीग्राम का कोई पूरा चैट हो, वो कैसे बहुत ही आसान तरीके से उसमें पूरा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, कहीं पर्टिकुलर एक जगह नहीं दोस्तों, पूरा जो स्क्रीन शॉट है वो पूरा कैसे ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का फुल पेज को आप कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, होल जो पेज है तो ऊपर से नीचे तक लेके, तो कैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आगे चल के आप लोगों का टिप्स टिक्स अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले। तो चलिए इस टाइम का है देख लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली देख सकते हैं ये वो ऐप है, ठीक है, तो लॉन्ग शॉट इस ऐप का नाम है। ये जो ऐप है तो ये बेसिकली ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बेसिकली इसको आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और तो सिंपली इसको हम ओपन करते, ओपन करने के बाद देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है, कुछ परमिशन मांगा तो सिंपली इसको अलाउ कर देते हैं, और अलाउ कर देने के बाद देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आता है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है स्पीड मोड का, और उसके नीचे मैनुअल कैप्चर। तो स्पीड मोड पर दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूँगा वहाँ पर रखिए, ताकि जो है आपका मैं बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और मैनुअल कैप्चर रखेंगे तो आपको मैनुअली जाकर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं कैप्चर स्क्रीनशॉट, तो यहाँ पे अगर स्टार्ट नाउ कर देंगे तो वो स्टार्टिंग हो जाएगा, और यहाँ से जो है वो कोई भी ऐप में जाके मैं बेसिकली आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, तो सिंपल उसमें चलते हैं, और उसमें जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक पूरा जो पेज है वो उसमें आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ। दोस्तों बेसिकली ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, तो ये आप देख सकते हैं मेरा, अगर ज्वाइन नहीं किए तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये मेरा बेसिकली टेलीग्राम ऐप का लिंक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने आ चुका हूँ, और उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ किस तरह से स्क्रीनशॉट लेता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्क्रॉल आप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल स्लोअर बोल रहा है, तो मतलब धीरे धीरे सब स्क्रॉल करेंगे तो ये यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना चालू कर देगा, ठीक है, तो चालू कर देगा। अब जितना तक लेना चाहते हैं आप कर सकते, उसके बाद यहाँ पे आप डाउन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जितना सारा मतलब स्क्रीनशॉट खींचे थे पूरा जो होल चैट है ये दोस्तों यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से पूरा चैट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसका चाहे तो आप यहाँ पे बस जाके सेव भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी है सेव करना। और उसके बाद मैं फिर से ऐप में चलता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऐप का अंदर और कौन कौन सा फीचर सबको मिलते हैं जो सिंपल स्क्रीनशॉट जो ऐप है उसमें आते हैं। और उसके आते बाद देखिए कैप्चर वेब पेज, तो सिंपल इसमें आप जाएंगे तो तब आपको क्या होगा, यहाँ पे कोई भी URL आप टाइप कर सकते हैं, और टाइप कर देने के बाद जैसे करके मेरा जो एक वेबसाइट है तो वो मैं टाइप करके यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए ये मेरा बेसिकली वेबसाइट है technodunyasanthanukot.com, तो इस वेबसाइट में अगर जाएंगे तो इस वेबसाइट का जो टोटल जो डेटा है टोटली आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन बोल रहा है, स्टार्ट पोजीशन दोस्तों सबसे ऊपर है और एंड पोजीशन नीचे है, मतलब दोस्तों कहाँ से कब तक आप लेना चाहते हैं तो वो आप बहुत ही आसान तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जो सेट स्टार्ट पोजीशन, तो यहाँ पे क्लिक कर देते और नीचे जाते और यहाँ पे जो हम लोगों का जो सब्सक्राइबर है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए मेरा जो नाम है वेलकम टू टेक्नोदुनिया, माय नेम इज शांतनुकर, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है बहुत ही आसानी से। तो उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और एंड कहाँ पे है तो वो उसका लास्ट पोजीशन तक वहाँ पे जाके आप जो है स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पिक्चर है, तो नीचे जो एंड हेयर एंड कैप्चर, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए पूरा जो वेब पेज है आपको जो है JPG इमेज की तरह बहुत ही आसान तरीके से आपको गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पूरा जो वेबसाइट है मेरा ऊपर से नीचे तक ये टोटल यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट, ये मैंने यहाँ से चालू किया था, और देखिए नीचे जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया वैसे वहाँ तक ये टोटल बहुत ही आसान तरीके से कैप्चर कर दिया। तो दोस्तों ऐसे बहुत ही आसान तरीके से आप भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते, बहुत ही आसानी होगा, और लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप पूरा होल चैट का खींच सकते। तो वीडियो कैसा लगा जरूर दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। यही था दोस्तों थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों सभी के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह का टिप्स टिक्स पाने के लिए आपका जितना सारा दोस्त है उनको भी साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी बहुत ही आसान तरीके से ऐसा टिक्स कर पाए। थैंक यू, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हैव ए गुड डे, बाय।